अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं बताता चलूं कि आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 3 to 4 months के मैंने कोई व्लॉग कुछ भी अपलोड नहीं किया। ये इस वजह से क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कहा भी था कि कुछ महीने मैं नहीं आऊँगा, नहीं कुछ महीने मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले थे। तो एक महीना एग्ज़ाम्स वगैरह में गुजर गया और उसके बाद जो है मैंने सोचा था कि व्लॉग्स बनाऊँगा और हॉलीडेज़ होंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि जैसे ही हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए विद इन 5 to 6 days हमारा न्यू सेमेस्टर वापस स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से मैं नहीं कर सका कि वापस व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ, कुछ मसरूफियात थी। फिर घर के कुछ काम थे, हमने अपने घर को रेनोवेट तो नहीं कह लेंगे, हमने सिर्फ पेंट करना था और थोड़ी चीज़ें ख़रीदनी थी, तो इस वजह से उसमें मसरूफ़ थे। फिर मैंने कहा व्लॉग बनाऊंगा, फिर क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गए और फिर बीच में कुछ और मसरूफियात आ गई थी, इस वजह से मैं नहीं कोई व्लॉग अपलोड कर पाया। बीच में हमारे दोस्त जो थे उन्होंने कहा था कि बारबेक्यू का प्लान करते हैं, तो वो भी प्लान हो, उसकी भी कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और भी बहुत कुछ हुआ इस कुछ महीनों में, तो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले व्लॉग में आगे बढ़ते मैं आपको बताता चलूं कि मेरे पिछले वीडियो पे कुछ सवाल आए थे, कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो क्योंकि ये वीडियो कोई 3-4 महीने का खुलासा है तो इस वजह से थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ सवालात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछे हैं, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला सवाल आया था कि किसी खाहर की तरफ से है कि सलाम आगा, कैन यू मेक वीडियो ऑन गेटिंग एडमिशन इन हौजा कुम फॉर गर्ल्स द होल प्रोसेस। बेसिकली ये जब हौजे में आप एडमिशन लेते हैं तो इसमें कम्प्लीटली आपका कोई हाथ नहीं है। हाथ से मुराद आई मीन आपको यहाँ पे आने से पहले बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए, जिस तरह आप और किसी फील्ड्स में अप्लाई करते हैं। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मतलब FSC आपकी होनी चाहिए और कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। मुझे तो वो भी नहीं पता था, लेकिन यहाँ आने से पहले जो एक ख़ास चीज़ है वो है वक्त के इमाम की रिजाइयत। जिस इंसान को इमाम की तरफ से बुलावा ना आया हो तो वो यहाँ पे जितनी भी कोशिश कर ले वो यहाँ नहीं आ सका। और ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से यहाँ देखी है कि काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, उनके पास सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो 5-5 साल 6-6 साल पाकिस्तान में हौजा पड़े हुए, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते, मजबूरियाँ आ जाती है, कभी ईरान की तरफ से उनके एडमिशन एक्सेप्ट नहीं होती, तो मुश्किल हालात है। आजकल तो बहुत सख्त हो गया, लेकिन करने एडमिशन इस तरह होता है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो पाकिस्तान इंडिया यहाँ के लिए बंद हो गए, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। और एक और है कि यहाँ पे जो लोग हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, लाइक 10 to 12 years जो यहाँ पे वो पढ़ रहे हैं और उनका अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में थोड़ा हाथ भी है, हाथ से मुराद यानी उनकी रीचेस हैं, वो लोग उन्हें जानते हैं, तो किसी भी रीज़न की वजह से वो जो है ना आपकी रिक्वेस्ट आगे अल मुस्तफ़ा तक पहुँचा सकते हैं, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद क्योंकि अभी 1.5-2 साल ही हुआ है मुझे, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता कि कैसे होता है, नहीं मैं कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता होता तो मैं लाजमी आपके लिए अप्लाई कर लेता, बट मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे होता है। तो यही है, आप नियत करें, इंशाल्लाह वक्त के इमाम आपके मददगार होंगे। और 2-3 सवाल और भी थे कि यही एडमिशन के मुतालिक थे, तो ये इंशाल्लाह इसमें तफसील से मैं कभी कोई प्रोफेशनल के साथ बैठ के बात करूँगा, आप लोग के लिए वीडियो भी बनाऊँगा और आप लोग को बताऊँगा कि ये पूरा प्रोसेस कैसा है। बट जहाँ तक मेरा ख्याल यही है, अप्लाई करने के लिए आपको कोई चाहिए, कोई एक्सपीरियंस बंदा हो कि यहाँ पे आप लोग के लिए अप्लाई कर सके। खैर, अभी भी काफ़ी लंबा हो रहा है हमारा व्लॉग, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स है वो दिखाते हैं जो मैंने रिकॉर्ड की थी कोई 2-3 महीने पहले, जब अभी अभी हमारे एग्ज़ाम्स ओवर हुए थे और हमारे दोस्तों ने बारबेक्यू का प्लान बनाया था और हमने काफ़ी इन्जॉय किया। वो क्लिप्स देखे फिर मिलते हैं आपसे। मान बताओ हम कहाँ जा रहे हैं भाई? ये पेपर ख़त्म होने की खुशी में ना हम लोग जो है बारबेक्यू प्लान करने जा रहे हैं। ठीक हो
और ये पीछे कौन आ रहे हैं? ये इंजीनियर साहब है और जोहर भाई उनके साथ है। और अब हम कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। जोहर कह रहा था कि गर्मी नहीं है, गर्मी चेक करें आप लोग, कितनी प्यारी गर्मी आ रही है। ओ वाकई देखिए, अभी आप जगह ढूंढ रहे हैं। ये जगह इधर जो जहाँ से भी गुजरे हैं, ये जगह ठीक है। ये कैसे? मतलब अच्छा हुआ आपको लेके आया। अभी हमें जगह जगह मिल गई है और जगह तो मिल गई है, लेकिन जगह क्यूट क्यूट सी नहीं है। पत्तियां पिलाए आपको पर्सनालिटी जगह। अच्छा, ये बारबेक्यू के मामले में कौन बड़ा है? अशपस की भी बनाओ ना। कौन से अशपस की? ऊपर बैठा है। शेरा, शेरा क्या हाल है? बहुत मेहनत कश लोग हैं, सीख इन्होंने लगा। हाँ जी, तो आपने देखा कि मैं और मेरे दोस्त जो थे, गुलाम अली भाई, इंजीनियर साहब, जोहर भाई, हमने प्लान बनाया था बारबेक्यू का। और ये प्लान आप यकीन करें पिछले कोई 1.5 साल से बन रहा है, कोशिश हो रही है कि बने, एग्जीक्यूट हो, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि मसरूफियात थी, लड़के आते नहीं थे। आपको पता ही है जब कोई प्लान करते हैं तो बिल्कुल वो जब तक एग्जीक्यूट हो उसमें काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों में स्पेशली। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर जनाब उसके बाद जो है, जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ थी वो था पेंट। मैंने अपने घर में पेंट का प्लान किया था और मैं काफ़ी परेशान था कि कैसे करें, ये सब कौन हैंडल करे। मैं ज़िंदगी में कभी पेंट ही नहीं किया था और मेरे घर की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो हमारे यही 3-4 दोस्त थे, इसमें एक ज़हीर भी था, सैयद ज़हीर, जो मेरे क्वेटा वाला दोस्त है, और उसने भी काफ़ी हेल्प की मेरी पेंट में, वो भी आया। तो उसकी भी कुछ क्लिप्स हैं, वो भी आप मुलायजा फरमाएं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये हमारे नीरू आ गए, ये सबसे बड़ा नीरू है। सलाम अली भाई। गुलाम कैसे चल रहा है? ये पता होता तो मोरल कैसा है? मोरल आए सर। हाउ द जोश? आए सर। जोहर अभी जो है, ये देखो रिंगमाल कर रहे हैं हम। रिंगमाल को इस तरह पकड़ना है। रिंगमाल के बाद अब एक मिनट यार, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ये देख, इस तरह पकड़ना है, ठीक, इस तरह रखना है, ठीक है। जल्दी वैसे की बात, यार ये जोहर भाई की दीवार है। आप गुलाम भाई की दीवार। ये लाइट के ऊपर से रहता है। ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल है भाई, काम करते रहे बैठे में। यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब से सीखा है। हमारे साथ एक और बंदा भी है, ये अच्छा कम करता है, गंदा ज्यादा करता है। वैसे बंदा नहीं, बंदा क्यूट है, बंदा प्यारा है। बस ये बंदा सिर्फ सफाई का काम कर रहा है, बाकी सबको घन में डाला हुआ है। किनर बनाना? हाँ, ये बनाने का काम हम दोनों का है, हम बना के दे देंगे आप लोगों को। क्यों इंजीनियर? बहुत सारा पड़ा है। हाँ, ये पेंट खत्म हो गया था मकान। हाँ, तो हम कहने आ रहे हैं दोबारा। कितने डब्बे लेके जाओगे?
डब्बे कम से कम चल जाएगा काम उसी से आराम। ये अभी जी दो ले लिए आप, अबे इसको लेके कैसे जाना है, ये बहुत भारी है यार। तुम कितने आए हो? हंसता वृंदा, कभी सोचा था ऐसा काम करना पड़ेगा? मेरे काम तुम्हें तो दसिया वाली बात याद आएगी। इंजीनियर अबे अपना थोपड़ा तो दिखाए, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। मजा आ रहा है? मजा क्या होता है? एक मजदूर का हाथ मजदूर से मिल रहा है। तो ये था पिछले कुछ दिनों का, बल्कि कुछ महीनों का हाल अहवाल। मैंने कहा काफ़ी अर्सा हो गया आप लोग के साथ मैंने शेयर नहीं किया, अपने लास्ट कुछ मंथ्स के व्लॉग्स भी शेयर नहीं किए, और भी मेरे काफ़ी प्लान्स थे। हमारे खुद यूनिवर्सिटी में एक स्टूडियो खुला है, मैंने कहा उस स्टूडियो पे जाके मैं पॉडकास्ट अपने दोस्त के साथ रिकॉर्ड करूँ, लेकिन वो भी नहीं हो सका क्योंकि वहाँ पर जो माइक्स थे, वो जो पॉडकास्ट स्पेशल माइक्स आते हैं, वो सिर्फ एक सेट आया था फ़िलहाल। तो अगर फ्यूचर में दो आते हैं तो इंशाल्लाह हम वहाँ जाके वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे और कंटेंट कोशिश करेंगे आपको दे। और भी कुछ मसरूफियात है वो मैं टाइम के साथ आपको कुछ न्यूज़ है वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। वो क्वेटा के मुतालिक है कि जहाँ पे यानी हमारा जो फैमिली बिजनेस है, पिछले कुछ साल से इस पे काम कर रहा था कि हमारी जो शॉप्स हैं क्वेटा में बेसिकली वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ जाएँ, यानी उसकी हम वेबसाइट बनाए प्रॉपर और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल ओवर क्वेटा नहीं बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान हम उसे सेल कर सकें। तो इस पर भी काम स्टार्ट है इंशाल्लाह कुछ दिन में। मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे तो उस पर मुझे फॉलो करें, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैं शेयर करूँगा इन करीब कि हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगा और ऑल ओवर पाकिस्तान अपने प्रोडक्ट्स को, अपने नाम को, फैशन जोन को हम इंट्रोड्यूस करें पूरे पाकिस्तान के साथ। तो इस पर भी काम स्टार्ट है, इस वजह से इन दिनों में क्लासेस भी हैं और उस काम में भी थोड़ा मैं मसरूफ़ हूँ, तो इस वजह से व्लॉग्स वगैरह बनाना काफ़ी सख्त हो जाता है। खैर लंबी हो गई इस वीडियो में आज काफ़ी, जाहरी बात है कुछ पिछले कुछ महीनों का वो जो फ्रिज में आपने देखा है कि कभी कभार फ्रिज में आपके तीन चार डिशेस पुरानी पड़ी होती हैं और आप उसे रख के रखो और अचानक एक दिन आपके पास जब कुछ नहीं होता आप उस सबको 12 मसाले बना के ना सर्व कर देते हैं। तो मेरा भी कुछ यही सीन है इस व्लॉग में, पिछले दो तीन महीने का, जितने भी महीने का जो भी मेरे पास था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपके इसी तरह के सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते रहिएगा, मैं कोशिश करूँगा जितनी मेरी नॉलेज है मैं आपको गाइड कर सकूँ। अगर नहीं होगी तो मैं आपको बता दूँगा कि आप किसके पास जाएँ, किसको किसी का रेफरेंस आपको दे दूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।